हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और हम कवर कर रहे हैं सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल यूनिट, जो कि है यूनिट नंबर 7th आई थिंक, ओके 6 or 7। तो ये पेपर है जून 2017 का। हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन इस पेपर में कि सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से जून 2017 के पेपर में सेक्शन बी और सी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस पे, ठीक है। सेक्शन बी के क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47 और 48 चार क्वेश्चन आए थे जून 2016 के 17 के पेपर में। देखते हैं ये 45 वाला क्वेश्चन दिया है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं वो किससे बनते हैं। फिल्ट्रेशन स्लिट्स आर फॉर्म्ड बाई पोडोसाइट्स, इंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरी, मिजेंगियल सेल्स और लेसिस सेल्स। तो चार ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ, ये मिलेगा आपको सिलेबस में कहाँ पे मिलेगा ये। फर्स्टली ये देखिए सिलेबस में हमारा सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल 7th यूनिट है हमारा, ठीक है। और जब हम चलते हैं सिलेबस पे इसके सिलेबस सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल का, ये रहा सिलेबस। ये आया हुआ है कहाँ से, आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम से आया हुआ है। यहाँ पे आप किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ये किडनी के बारे में आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। पोडोसाइट्स होते क्या हैं, पोडोसाइट्स सेल्स इन द बोमेंस कैप्सूल इन द किडनी दैट रैप अराउंड कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक। दिस रैप हैज स्लिट्स ईच नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ठीक है। तो वोमेंस कैप्सूल में आपको ये पढ़ने को मिलेगा वहाँ पे फिल्ट्रेशन सिट्स किससे बनते हैं। चार ऑप्शन थे हमारे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन सिट्स तो ये एक्चुअली पोडोसाइट से बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाई Na प्लस को ट्रांसपोर्टर्स। ये आया है आपका कहाँ से, डाइजेस्टिव सिस्टम से आया हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन से आया हुआ है ये, ठीक। एब्जॉर्प्शन से आया हुआ है ये, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें विटामिन है। थियामिन, राइबोफ्लाविन, फोलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, चार विटामिन दिए गए हैं। कौन सा ऐसा इसमें से विटामिन है जो जिसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में बिना यूज किए हुए सोडियम को ट्रांसपोर्टर का। तो मैं आपको बता दूं, दो विटामिन है थियामिन और कोबालामिन, जो जिनका जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सोडियम को ट्रांसपोर्टर इंडिपेंडेंट उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो यही फोलिक एसिड, ठीक, जिसे विटामिन B9 भी बोलते हैं, और आपका ये कोबालामिन इसमें नहीं है, मतलब केवल एक ही है, एक ही चूज़ करना है। तो फोलिक एसिड आपका सही ऑप्शन होगा। कहाँ से आया था, एब्जॉर्प्शन से आया था। चलते हैं 47 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग ऑफ प्री प्रोग्लूकॉन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप ये पढ़ेंगे ग्लूकोगन, आपने पढ़ा होगा, ये इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। इसका काम क्या होता है, ये रेज करता है कंसनट्रेशन ग्लूकोज का, ठीक, एंड ब्लड में फैटी एसिड्स का, तो ठीक है। तो ये इसका इंसुलिन के अपोजिट काम है। यहाँ पे सबसे पहले जो बनता है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, सबसे पहले तो प्री प्रोग्लूकॉन होता है, उससे बनता है प्रोग्लूकागॉन, ठीक है। कहता है कि जब पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग होता है प्री प्रोग्लूकॉन का, तो इसमें से कौन सा चीज़ नहीं बनता है। तो मैं आपको बता दूँ, प्री प्रोग्लूकॉन होता है, उससे बनता है आपका प्रोग्लूकॉन, प्रोग्लूकॉन का फिर कटाई छटाई होके, ठीक है, उसका और काट छाट के कई सारी चीज़ें बनती हैं उसमें से। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक तो ग्लिसरीटिन है ही, ग्लिसरीटिन रिलेटेड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, ऑक्सिनटोम्यूडुलिन है, ठीक है। फिर आपका आता है ग्लूकोगॉन भी है, ग्लूकोगॉन लाइक पेप्टाइड 1 है, ग्लूकोगॉन लाइक पेप्टाइड 2 है। तो मैंने आपको बोला ग्लिसेंटिन तो इससे बनता है ही है, ठीक, और मेजर प्रोग्लूकोगॉन फ्रैगमेंट भी बनता है, ऑक्सिनटोम्यूडुलिन भी बनता है। जो आपका नहीं बनता वो बनता है बीटा लाइपोट्रोपिन। बीटा लाइपोट्रोपिन इसके पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग से, किसके, प्रोग्लूकोगॉन के प्री पोस्ट ट्रांसलेशनिंग से नहीं बनता है, ठीक।
ये आपको मिलेगा, ये जैसे कि पैंक्रियास में बनता है, तो ये भी आपका डाइजेशन का ही पार्ट है। यहाँ पे आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, या तो इंडोक्राइनोलॉजी में हो सकता है क्योंकि ये हार्मोन है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। तो अब आते हैं 48 क्वेश्चन नंबर पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम ऑफ ब्लड। आपने पढ़ा होगा कि ब्लड के क्या होती है, ब्लड की कैपेसिटी होती है बफर बफर सिस्टम की तरीके से काम करने की। तो ब्लड में बहुत सारे बफर्स होते हैं, सबसे पावरफुल बफर सिस्टम कौन सा होता है ब्लड में? तो डाइट है, आपको पता है बाइकार्बोनेट जो होता है वो पावरफुल बफर सिस्टम का कार्य करता है ब्लड में, ठीक है। तो यहाँ तक था बी के क्वेश्चन, अब चलते हैं क्वेश्चन सी के। थोड़ा सा पेपर ये बेकार है, ठीक है, जो ऑनलाइन मुझे मिला था, इसकी प्रिंटिंग थोड़ा सा बेकार है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अभी थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, पर होपफुली कि आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो जब हम सी पे आते हैं, क्वेश्चन 107 से स्टार्ट होता है, सी के क्वेश्चन हमारे दिया है। इन किडनी, किडनी में सोडियम इज रीअब्जॉर्ब अक्रॉस द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रॉक्सिमल टिब्यूल। किडनी, ये आपको बता दूं एक बार फिर से, ये किडनी से आया हुआ है, इस सेक्रेटरी सिस्टम से। यहाँ पे आप किडनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कह रहा है सोडियम जो होता है प्रॉक्सिमल टिब्यूल में रीअब्जॉर्ब होता है ड्यू टू पॉजिटिव ट्रांस एपिथेलियल वोल्टेज, दैट इज ट्यूब्यूलर फूड फ्लूड बिकम्स पॉजिटिव रिलेटेड टू ब्लड। ट्यूब्यूलर फ्लूड जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है रिलेटेड टू ब्लड के, एंड बाई अदर मैकेनिज्म। द फॉलोइंग प्रपोज स्टेटमेंट कुड एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ दिस पॉजिटिव ट्रांस एपिथेलियल वोल्टेज। सबसे पहले मैं बता दूँ, किडनी में आप पढ़ेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, ये सारी चीज़ें आप उसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर अलग अलग ऑस्मोलाइट्स का आप उसमें रीअब्जॉर्प्शन या सेक्रेशन आप पढ़ेंगे कि उसका रीअब्जॉर्प्शन कैसे ब्लड में होता है या सेक्रेशन कैसे होता है। तो उसमें से सोडियम जो होता है, कह रहा है प्रॉक्सिमल टिब्यूल में ही सेकेंड हाफ में उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्यों होता है? पॉजिटिव ट्रांसएपिथेलियल वोल्टेज के कारण। अब ये कह रहा है जो पॉजिटिव ट्रांसएपिथेलियल वोल्टेज होता है ये किसके द्वारा जनरेट होता है? तब जब आप उसमें पढ़ेंगे, पहली बात तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको उसमें से चूज़ करना है, चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कह रहा है क्लोरीन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ट्यूब्यूल, जहाँ पे सोडियम एब्जॉर्ब होता है, फेवर्स डिफ्यूजन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ट्यूब्यूलर ल्यूमेन टू इंटरसेलुलर स्पेस वाया पैरासेलुलर रूट विच जनरेट्स द पॉजिटिव ट्रांसएपिथेलियल वोल्टेज। तो ऐसे तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जब तक आप किडनी में जाएंगे, या रीअब्जॉर्प्शन या सेक्रेशन वहाँ पे कैसे होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल में, तब तक आपको नई चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो लेकिन ये इसका ऑप्शन जो है ये सही है, जो पॉजिटिव ट्रांसएपिथेलियल वोल्टेज होता है वो क्लोरीन के कारण ही होता है, और इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। इसे दिया है द सोडियम और हाइड्रोजन एंटीपोटर्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल क्रिएट द, तो ये इसी के अपोजिट है ए के स्टेटमेंट का, ए वाला सही है, तो उसके अपोजिट ये रहेगा, तो ये गलत है। द सोडियम ग्लूकोज इंपोर्टर्स ऑपरेटिंग इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये उसके लिए दिया हुआ है जो पॉजिटिव ट्रांसएपिथेलियल वोल्टेज होता है किसके कारण जनरेट होता है, तो क्लोरीन के कारण होता है। यहाँ पे ये सोडियम और एच प्लस या केवल सोडियम, या पर यहाँ जो लास्ट में दिया हुआ है सोडियम के प्लस टू सी एल माइनस इंपोर्टर, इसके द्वारा नहीं होता है, तो केवल ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। दिया है एन एक्शन पोटेंशियल ऑफ द नर्व फाइबर। अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो आपको कहाँ पे पता, कहाँ से आपको ये चीज़ें पढ़ना है? नर्वस सिस्टम से आपको ये पढ़ना है न्यूरॉन्स, और यहाँ पे ए एक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एन एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ नर्व फाइबर डिस्क्राइबिंग बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल में आप पढ़ेंगे उसमें डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। कह रहा है द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ दिस आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन हैज़ बीन प्रपोज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये हाइपरपोलराइजेशन क्यों होता है न्यूरॉन्स में, इसके लिए चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। बोल रहा है कौन से दो स्टेटमेंट सही है, चूज़ द ऑप्शन विथ बोथ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, आपको दो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज़ करना होगा। कह रहा है द इंक्रीज कंडक्टेंस ऑफ सोडियम हैज़ रिटर्न टू द बेस लाइन लेवल बट द कंडक्टेंस ऑफ क्ले प्लस रिमेन्स एलिवेटेड ड्यूरिंग आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन फेज। तो अब जब आप एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे वहाँ पे
उस देखेंगे ये स्टेटमेंट सही है उधर कि जो कंडक्शन होता है सोडियम का वो अपने बेस लाइन पे तो आ जाता है, लेकिन जो कंडक्शन होता है के प्लस का वो एलिवेटेड रहता है ड्यूरिंग आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन फेज। ठीक है, फिर आते हैं बी पे, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज पुल्ड इवन क्लोजर टू द के प्लस इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एट द आफ्टर हाइपरपोलराइजेशन फेज। ये स्टेटमेंट जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा ही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही था हमारा, ए के साथ या तो डी होना था या तो बी होना था, तो बी का मैंने बोला ये स्टेटमेंट बुक से सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा बुक में लिखा हुआ है, तो ए और बी स्टेटमेंट हमारे सही है यहाँ पे। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 109 पे। क्वेश्चन नंबर 109 है, दिया हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन हेल्दी यंग मैन द मस्कराइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एट्रोपिन वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड टू वन ग्रुप। एक एंटागोनिस्ट है मस्कराइनिक रिसेप्टर का जिसे एट्रोपिन बोलते हैं, बोल रहा है कोई ग्रुप ए है उसमें ये एडमिनिस्टर किया गया, वाइल द बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एक बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है यहाँ पे प्रोपानोलॉल करके, वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड टू अनदर ग्रुप बी। ये एट्रोपिन जो है ग्रुप ए को दिया जाता है और ये प्रोपानोलॉल जो है ग्रुप बी को दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर रिसेप्टर किसका एंटागोनिस्ट है वो भी दिया हुआ है, इन फोर इंक्रीजिंग डोजेज ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन फॉर बोथ द ड्रग्स द इफेक्ट ऑफ दीज टू ड्रग्स ऑन हर्ट रेट आर शोन बिलो। ये यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, हर्ट रेट इधर ये 40, 50, 60, 70, 80 बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ग्रुप ए ग्रुप बी के लिए दिया है, ग्रुप ए में हमने क्या डाला था एट्रोपिन और ग्रुप बी में प्रोपानोलॉल। ठीक, तो यहाँ पे ये आप देखेंगे जो डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिया हुआ है हर्ट रेट जो बढ़ाता है यहाँ पे एट्रोपाइन के द्वारा है, और सेकेंड वाला जो ग्रुप ए में दिया गया प्रोपानोलॉल के द्वारा हुआ, ये यहाँ पे बोल्ड लाइन वाला, ये हार्ट रेट कम कर रहा है ये बढ़ा रहा है। ठीक है, और ये डोज का है, डोज हम बढ़ाते हैं तो ये हार्ट रेट कम करता चला जाता है, और ये डोज बढ़ाते हैं एट्रोपाइन का तो ये काफ़ी तेज़ी से ये हार्ट रेट बढ़ा रहा है। अब ये इसके बेसिस पे चार स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन विथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करना है चूज़ करना है कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है एट्रोपिन एंड प्रोपेनॉल जो है वो किसको ब्लॉक करते हैं, कह रहा है एट्रोपिन एंड प्रोपेनॉल ब्लॉक सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक इफेक्ट्स ऑन द हर्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब एट्रोपिन सिंपैथेटिक को ब्लॉक करता है और प्रोपेनॉल पैरासिंपैथेटिक, तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, सी वाला, एट्रोपिन एंड प्रोपेनॉल ब्लॉक्स पैरासिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक इफेक्ट्स ऑन द हर्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब एट्रोपिन पैरासिंपैथेटिक वाले को करता है और प्रोपेनॉल क्या करता है सिंपैथेटिक वाले को, तो ए गलत है सी सही है। अब बी पे बी का ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, एज द चेंज ऑफ हार्ट रेट इज मोर इन ग्रुप ए, आपने देखा कि ग्रुप ए में क्या हुआ था हार्ट रेट का ज़्यादा चेंज है देन ग्रुप बी, द सिंपैथेटिक टोन यूजली प्रीडोमिनेट्स इन हेल्दी रेस्टिंग इंडिविजुअल। अब ये गलत है यहाँ पे, ए का हमने देखा ज़्यादा था और ए का किससे रिलेटेड था तो एट्रोपिन का किससे रिलेटेड था पैरासिंपैथेटिक का। यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, चेंज तो हार्ट रेट सही दिया हुआ है लेकिन कह रहा है ये कंट्रोल क्या करता है सिंपैथेटिक टोन यूजली प्रीडोमिनेट्स इन हेल्दी रेस्टिंग इंडिविजुअल, लेकिन ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बी गलत है, इसी का अपोजिट डी वाला दिया गया है कि ए सब्सटेंशियल चेंज अकर इन द हार्ट रेट विद एट्रोपिन द पैरासिंपैथेटिक टोन इज प्रीडोमिनेंट इन द हेल्दी रेस्टिंग, क्योंकि ये पैरासिंपैथेटिक वाले को असर कर रहा है इसीलिए रेस्टिंग इंडिविजुअल में पैरासिंपैथेटिक टोन जो होगा वो प्रीडोमिनेंट होगा, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा ए और बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे, दिया है द P50 वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज करते टाइम P50 वैल्यू हीमोग्लोबिन का बढ़ जाता है, द मैकेनिज्म ऑफ दिस चेंज इज डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग प्रपोज स्टेटमेंट। चार स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसका मैकेनिज्म डिस्क्राइब किया है और नेक्स्ट पेज में दिया है कि विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, तो हमें इनकरेक्ट वाला ऑप्शन इसमें से चूज करना है। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम चलते हैं क्वेश्चन पे, चार स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है,
इंक्रीज CO2 प्रोडक्शन बाई मसल्स, एलिवेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ ब्लड विच अफेक्ट पार्शियल P50 वैल्यू। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे कि क्या होता है जब CO2 का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है मसल पे, तो एलिवेटेड PCO2 ऑफ ब्लड अफेक्ट क्या करता है, ये P50 वैल्यू को अफेक्ट करता है। अब बी पे आते हैं, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इंक्रीज एट 2-3 BPG लेवल इज एलिवेटेड। ये गलत दिया हुआ है, जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे, मैंने आपको ये बताना भूल गया, ये कहाँ से है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आया है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से आया है, यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ना है, तो वहाँ पे आप देखेंगे ये तो वाला सही होगा, ये वाला बी का पढ़ेंगे, जो वहाँ पे 2-3 BPG होता है जब इसका लेवल एलिवेटेड हो जाता है, तो एफिनिटी जो दिया है हीमोग्लोबिन या इंक्रीज़ होता है ऑक्सीजन के लिए, इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, तो बी वाला ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर शिफ्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द लेफ्ट, ये भी गलत है। बॉडी टेम्परेचर अगर शिफ्ट करेंगे आप, इंक्रीज़ करेंगे, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है वो लेफ्ट की तरफ नहीं जाएगा, वो राइट की तरफ जाता है। बी और सी ऑप्शन गलत है। डी को देखते हैं, द डिक्रीज pH ऑफ ब्लड रिड्यूसेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, ये भी, और ये ऑप्शन सही है। जब आप pH डिक्रीज करेंगे, मतलब H प्लस कंसनट्रेशन बढ़ेगा, तब हीमोग्लोबिन का जो है एफिनिटी ऑक्सीजन से कम होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, कौन सा इनकरेक्ट चूज करना था, बी और सी इनकरेक्ट है, तो बी और सी इनकरेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे, देयर इज एविडेंस दैट फॉलोइंग पायरोजेनिक स्टिमुलाई साइटोकाइंस प्रोड्यूसेस बाय द CNS काज फीवर। कह रहा है जब पायरोजेनिक स्टिमुलाई होता है तो साइटोकाइंस क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मदद से ये फीवर काज करते हैं बॉडी में, पॉसिबली बाय लोकल रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। कैसे, वो लोकल वहीं पर रिलीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। अकॉर्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, इसके लिए कुछ चार स्टेटमेंट प्रपोज किए गए हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि साइटोकाइन्स जो होते हैं कैसे सेंट्रल नर्वस की मदद से फीवर काज करते हैं, ठीक है, तो ये थर्मोरेगुलेशन से आया हुआ है, ठीक है, थर्मोरेगुलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। ये भी डायरेक्ट ही टाइप का क्वेश्चन है, साइटोकाइन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं और डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑन थर्मोरेगुलेटरी सेंसर्स पे डायरेक्टली एक्ट करते हैं। बी जो दिया है ये इंट्रा हाइपोथैलेमिक इंजेक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर एगोनिस्ट विल प्रिवेंट फीवर, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत दिया हुआ है। फिर आते हैं सी पे, एंटीपायरेटिक इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन इज एक्सर्टेड ऑन द हाइपोथैलेमस टू प्रिवेंट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ये भी सही है। जब आप एस्पिरिन का जो एस्पिरिन मेडिसिन आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसका एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है, मींस बुखार के काम में आता है ये, क्या करता है, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस ये ब्लॉक करता है। तो ए और सी यहाँ पे सही है, हम चूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। डी वाला जैसे दिया, एस्पिरिन क्या करता है, ब्लॉक करता है इन्फेक्शन एंड इवेंचुअली प्रिवेंट फीवर, ऐसा नहीं, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है एस्पिरिन का। एस्पिरिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रोकता है, तो डी वाला उसी का अपोजिट है, डी वाला गलत है, तो हम ए और सी के साथ जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर फॉर टच पेन विजन एंड वॉर्म्थ दैट मे और मे नॉट बी करेक्ट। तो यहाँ पे एक बार फिर से सेंस ऑर्गन्स के बारे में है, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो इसके बारे में स्टिमुलेशन कैसे होता है इनके रिसेप्टर्स का, टच पेन और विजन, इनके लिए चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। कह रहा है चूज़ द ऑप्शन विथ बोथ स्टेटमेंट एज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट कौन सा सही होगा आपको वो करना है। द टच रिसेप्टर डज नॉट रिक्वायर एनी वोल्टेज गेटेड कैटायन चैनल फॉर इट्स एक्टिवेशन, करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है, ध्यान दीजिएगा ए वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पे टच रिसेप्टर वोल्टेज गेटेड कैटायन चैनल रिक्वायर होता है, पर इसमें लिखा है डज नॉट रिक्वायर, ये ऑप्शन गलत है आपका। बी पे आते हैं, लाइट काजेस क्लोजिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल इन द आउटर सेगमेंट ऑफ द रॉड एंड कोन आपने पढ़ा होगा, आँख में होता है। कह रहा है लाइट क्या करता है, सोडियम आयन चैनल को बंद करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। एक सी पे आते हैं,
पेन सेंसेशन इज कास्ड बाय ओपनिंग ऑफ एन ए प्लस और एन ए प्लस कैल्शियम आयन चैनल्स इन फ्री सेंसरी नर्व एंडिंग। ये भी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे जो पेन सेंसेशन होता है वो कैसे काज होता है, सोडियम या सोडियम कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं, वो भी कहाँ पे, फ्री सेंसरी नर्व एंडिंग्स पे। ये भी ऑप्शन सही है। डी पे आते हैं, द वार्म्थ रिसेप्टर इज एक्टिवेटेड बाय नॉन सेलेक्टिव एनायन चैनल्स। ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। वार्म रिसेप्टर जो होता है उसके लिए सेलेक्टिव एनायन चैनल्स होते हैं, ना कि नॉन सेलेक्टिव। तो हम ऑप्शन क्या चूज करेंगे, बी और सी। इसी के साथ हमारा ये पेपर ख़त्म होता है जून 2017 का। हमने यूनिट कवर किया, वो था सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल। आप देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है आपका रेस्पिरेशन से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, थर्मोरेगुलेशन से भी आ रहा है। ठीक है, वो भी आसान आसान है यहाँ पे। ठीक, सो इसी के साथ अब मैं आपसे मिलूँगा दिसंबर 2017 के पेपर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।